स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमी टेक्नो में। फ्रेंड्स, आज का मैं आपके लिए एक मस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर आप देखते हैं कि वेव, टीएफ और भोजपुरी का अदरवाइज चैनल हैं जो कि अपने थंबनेल पर बोल्ड फॉन्ट लगाते हैं और उसमें 3D फॉन्ट भी ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो हो सके आपसे कोई रूल मिस हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पिक्सलैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। फ्रेंड्स, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप जाकर वहाँ से इंस्टॉल कर लें इसे। और इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर देना है। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस प्रकार का पेजेस ओपन होगा। नीचे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो उस पर आपको ए वाले बटन पर क्लिक करना है जो कि वो टेस्ट के लिए है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आएगा कुछ ऑप्शन, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको सिंपली एडिट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कोई भी फॉन्ट का यूनिकोड डाल लेना है। तो मैं डाल लेता हूँ, मैं अपनी ड्राइव में पेस्ट करके रखा था यूनिकोड को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी फॉन्ट का भी यूनिकोड बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा और उस वीडियो में देखकर आप किसी भी फॉन्ट का यूनिकोड पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको यूनिकोड डालने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट पर आ जाना है। अब देखते हैं यहाँ पर फॉन्ट है, तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आना है। आपको कुछ इस पिक्सलैब में है जो इंग्लिश के फॉन्ट हैं, तो मैं सीधे हिंदी के फॉन्ट ले लेता हूँ। माई फॉन्ट पर क्लिक करना है आपको। अगर आपके पास फॉन्ट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ फॉन्ट का, आप वहाँ से जाकर हिंदी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली नीचे आता हूँ मैं ये वाली फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फॉन्ट आपकी हिंदी में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको इसको थोड़ा जूम कर लेना है, साइज इसको बढ़ा लेना है थोड़ा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने मनपसंद के कलर यहाँ से डालेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर का बटन है, उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको आना नीचे, नीचे आएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट करके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आप ब्लू का कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से आप करते हैं कर सकते हैं और पूरे सेलेक्ट कीजिएगा तो पूरा ही ब्लू हो जाएगा। तो मैं आधा पिंक ले लेता हूँ। फिर आपको राइट साइड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आना इधर, इधर आइएगा तो आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लाइट कलर को चॉइस करते हैं तो आप वाइट कलर स्ट्रोक में लगाएं, अगर आप वाइट और येलो लगाते हैं तो आप ब्लैक में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मैं लाइटनिंग कलर लगाया हूँ, तो मैं सिंपली मैं वाइट कलर स्ट्रोक में लगा देता हूँ। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसका स्ट्रोक। तो सिंपली आना है इधर राइट साइड में, आपको राइट साइड में आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एनेबल कर देना है आपको। तो फ्रेंड्स, एनेबल करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएंगे, प्रेस्पेक्टिव और ओब्लिक का। तो फ्रेंड्स, प्रेस्पेक्टिव में आपको इस प्रकार का मिलेगा 3D, आप देख सकते हैं कि यह बढ़ता चला जा रहा है, और ओब्लिक में आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको ओब्लिक ही अच्छा लगता है वैसे इस प्रकार के फॉन्टों में, तो मैं ओब्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद आपको आना नीचे, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक कर देना है। कलर आपको कोई से भी चॉइस कर लेना है, तो मैं येलो चॉइस कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको आना नीचे, नीचे आएगा तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर और एक चीज़ एनेबल हो चुका है, तो इसको आपको सिंपली डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा, ये डार्कन का ऑप्शन है, इसको थोड़ा कम कर लेना आपको। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा मस्त लगने लग रहा है 3D। फिर उसके बाद आना है नीचे,
नीचे आइएगा तो आपको एक सर्कल का ऑप्शन मिलेगा, और इसको घुमाने से आप 3D को किधर लाना चाहते हैं उधर ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं सिंपली इसको इस प्रकार से सेट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आइएगा तो आपको एक और सर्कल का ऑप्शन मिलेगा, उसमें बल्ब लगा हुआ, तो आपको सिंपली इसको घुमाकर आपको देख लेना है कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है। तो मैं इस प्रकार से कर दे रहा हूँ। तो इसके बाद आपको आना है नीचे। नीचे आइएगा तो आपको शेडो का ऑप्शन मिलेगा नीचे से सेकंड नंबर पे, तो आपको इसको पूरा स्क्रेच कर देना है। आप देख सकते हैं कितना ये अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम हिंदी टेस्ट को 3D बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप भी अपने किसी भी फ़ॉन्ट का यहाँ इस प्रकार से 3D बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ फ़ॉन्ट में ही, जो कि आप देखे होंगे कि TF और वेव म्यूजिक और अदरवाइज भोजपुरी चैनल पर उपयोग होते हैं, वही फ़ॉन्ट मैं अगला वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो चलते फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।